Subscribe to my channel. Press the bell icon for watching my new videos. हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ सुपरस्टार अजय देवगन सर की न्यू मूवी तानाजी द अनसंग वॉरियर के बारे में। जैसा आप सभी को पता होगा कि मूवी की रिलीज डेट काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। अब मूवी को 5 डेज रिलीज़ होने में बचे, क्योंकि 10th of January को ये मूवी ऑफिशियली रिलीज़ की जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि एडवांस बुकिंग तो इसकी स्टार्ट हो ही चुकी होगी, लेकिन नहीं, अभी इस मूवी की एडवांस बुकिंग प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में इस मूवी की अभी तक एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई है, और वहाँ पर भी ज़्यादा शोज नहीं है। ये मैंने दिल्ली का निकाल के रखा है बुक माई शो पे। आप देख रहे होंगे गुड न्यूज़ है, दबंग है, जुमानजी है, मर्दानी है, बाकी भी हॉलीवुड मूवीज़ हैं। दरबार तक की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो कि एक तमिल मूवी है। और अभी तक आप देख रहे होंगे किसी भी जगह पे आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है तानाजी द अनसंग वॉरियर। अब यहाँ पे सर्च मार के देखते हैं, सर्च करके देखते हैं कि तानाजी द अनसंग वॉरियर का क्या रिपोर्ट है, कितने शोज़ मिले हैं, कितने लोग इस मूवी को देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सुपरस्टार अजय देवगन का लुक तानाजी का, और अगर बात करूँ मूवी की रिलीज डेट की तो आप यहाँ पर देख लें जनवरी 10, 2020 को इसको रिलीज़ किया जाना है, और हिंदी के साथ साथ मराठी लैंग्वेज में भी इसे रिलीज़ किया जाएगा, और 2D के साथ साथ 3D में भी इस मूवी को ऑफिशियली रिलीज़ किया जाना है। अगर इंटरेस्टेड पीपल की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 68,914 पीपल इस मूवी को देखने के लिए इंटरेस्टेड है, यानी कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है। और 1 लाख तक अगर ये अमाउंट पहुँचता है तो वो और भी अच्छा होने वाला है मूवी के लिए। अब देख लेते हैं कि कितने स्टार कास्ट है इसमें। सुपरस्टार अजय देवगन मेन लीडिंग रोल में, काजोल है, स्टार सैफ अली खान है, शरद कालकर है, नेहा शर्मा है। अगर बात करूँ डायरेक्टर की और अदर स्टार कास्ट की, तो ओम रावत ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूसर खुद अजय देवगन है, भूषण कुमार है, कृष्ण कुमार है। और अगर बात करूँ म्यूजिशियन की, तो अजय अतुल इस मूवी में म्यूजिशियन है। चलिए अब आपको बता दूँ कि कितने शोज इस मूवी को मिले हैं और क्या उसमें रिपोर्ट्स हैं। ये आप शोज देख रहे होंगे, दिल्ली का ये शो है। और अगर बुकिंग की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी एडवांस बुकिंग यहाँ पे चल रही है, 130 रुपीज़, 150 रुपीज़ और 100 रुपीज़ का ये टिकट प्राइस है। और लगभग लगभग अगर शोज़ की बात करूँ तो ये थिएटर लगभग लगभग 40% तक बुक हो चुका है। नेक्स्ट शो देख लेते हैं, 3:30 का शो है, यहाँ पे भी सेम ही टिकट प्राइस है, और लगभग लगभग 40 से 50% ये थिएटर भी बुक हो चुका है। यानी कि दिल्ली में जो है एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई है, ये अभी हाल ही में ही स्टार्ट हुई है, कोई ऐसा बहुत पहले से इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन अभी तक इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अगर आपको गुड न्यूज़ की याद होगी एडवांस बुकिंग, तो 1 हफ्ते पहले उसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई थी, और तभी मूवी जो है अच्छा खासा कलेक्शन करने में, यानी कि 17 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करने में कामयाब रही थी। लेकिन अगर बात करूँ इस मूवी की, तो अभी तक इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन क्योंकि सुपरस्टार अजय देवगन सर का स्टारडम काफ़ी ज़्यादा है, और ये मूवी भी काफ़ी बड़ी मूवी है, 3D में भी इस मूवी को रिलीज़ किया जाना है, तो कहीं ना कहीं देख के तो यही लग रहा है कि इसकी फर्स्ट डे की जो ऑक्युपेंसी है वो लगभग लगभग 14 से 15 करोड़ की रहने वाली है नेट ऑल ओवर इंडिया से। अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि एडवांस बुकिंग जैसी इसकी इंक्रीज़ होती जाएगी, तो उस हिसाब से या उस तरह से मूवी के फर्स्ट डे के कलेक्शन में भी आपको धीरे धीरे इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। फर्स्ट डे में अगर मूवी 14 से 15 करोड़ का कलेक्शन भी करती है, तो मूवी के लिए एक अच्छा कलेक्शन होगा, क्योंकि इस मूवी के साथ एक दूसरी मूवी भी रिलीज़ होगी जिसका नाम है चपाक। और अगर बात करूँ कि मूवी के रिपोर्ट्स क्या रहने वाली है, अगर पॉजिटिव रिव्यूज़ हुआ तो बहुत अच्छा कलेक्शन होगा, ऑटोमेटिकली मूवी का कलेक्शन में इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, और वर्ल्ड वाइड में भी मूवी अच्छा खासा कलेक्शन करेगी। कहीं ना कहीं फर्स्ट डे में मूवी का वर्ल्ड वाइड में भी 20 करोड़ के आसपास कलेक्शन देखने को मिल सकता है। आपको क्या कहना है सुपरस्टार अजय देवगन की न्यू मूवी तानाजी द अनसंग वॉरियर के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।